इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू पाक तालुकात के हवाले से एक अहम खबर आ रही है। प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं इमरान खान, उन्होंने पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास बुलाया है और कुछ अहम फैसले इस अहम ऐलानात इमरान खान ने किए हैं। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान के साथ जंग नहीं चाहते हैं और एक अहम फैसला लिया। सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अभिनंदन जो विंग कमांडर कल पाकिस्तान ने अपनी कस्टडी में उनको लिया था, फाइटर जेट क्रैश होने के बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, इमरान खान ने यह ऐलान किया पार्लियामेंट के सेशन के दौरान कि विंग कमांडर अभिनंदन को कल सुबह वतन रवाना कर दिया जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम के साथ साथ जितने भी जी हिस और जी शूर लोग थे वो ये डिमांड कर रहे थे कि विंग कमांडर को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। ताहम कल विंग कमांडर के कुछ एक अहम बयानात भी सामने आ गए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज ने उनके साथ अच्छा सलूक किया है। एक पीस और अमन का पैगाम देते हुए इमरान खान ने यह ऐलान किया कि ये इनिशिएटिव पीस के लिए है। विंग कमांडर अभिनंदन को वतन वापस रवाना कर दिया जाएगा। ताहम दूसरी जानिब से कशीदगी का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं अभी किसी हद तक थम भी रहा है, लेकिन कई एक जगहों पर आज बॉर्डर्स पर भी फायरिंग हुई है और ये भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कई एक सिविलियंस जख्मी भी हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब सबसे बड़ी खबर ये कि अभिनंदन को वतन वापस रवाना कर दिया जाएगा और इसको कैसे ले रहे हैं आम लोग और हुकूमत हिंदुस्तान कैसे इस स्टेप को लेगी ये आने वाले कुछ घंटों में हमें देखना होगा।